नंबर 11 पार्ट 1 साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस दिस इज योर एक्स क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स. अब देखो यहां पे दो टाइम्स है आपकी जो मल्टीप्लाई हो रही है तो कौन सा मल्टीप्लाई करोगे कौन सा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फ्रॉम साइन एक्स. हां तो y डैश इज इक्वल टू साइन एज अ कांस्टेंट कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एज अ कांस्टेंट साइन का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स. सो दिस इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स व्हिच इज फर्दर इक्वल टू कॉस 2x. हम ऐसे करते हैं y is equal to 2 से डिवाइडेड मल्टीप्लाई sin x cos x गिवन दिया हाफ ऑफ दिस इज sin 2x sin का डेरिवेटिव इज cos प्लस cos 2x into 2x फर्दर डिफरेंशिएबल है तो 2x का डेरिवेटिव इज जो मेथड आपको इजी लगे इसमें इसको मैंने यू माना इसको मैंने डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन फिर प्लस का साइन बी एज इट इज यानी cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. cos वाले जितने भी होते हैं उनके डेरिवेटिव क्या के माइनस. अब इनका प्रोडक्ट sin x इज माइनस sin x इज माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos x इज cos x इज प्लस cos स्क्वायर x. अब ये फार्मूला बन गया आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x व्हिच इज cos 2. सिग्नल का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा. अगर इनके छोड़ देते sin अच्छा हां ऐसे ही छोड़ बट कोशिश करो कि आगे करो. ये दूसरा मेथड है यहां मैंने 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दी 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा तो हाफ ऑफ साइन टू थीटा रह गया. साइन का डेरिवेटिव इज कॉस ये फर्दर डिफरेंशिएबल था तो इसका डेरिवेटिव इज ये टू और ये हाफ कट गया कॉस टू इज मतलब फर्दर डिफरेंशिएबल का मतलब कि इट्स डेरिवेटिव इज अदर देन 1. वैसे हम क्या करते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लेते हैं कॉस एक्स इनटू इसका फर्दर डेरिवेटिव इज dx अपॉन dx क्योंकि 1 होता है तो हम इसको शो नहीं कर अदरवाइज हम क्या करते हैं हर एक क्वेश्चन में इसका फर्दर आगे के डेरिवेटिव. तो अब यहां पे 2x का डेरिवेटिव अदर देन 1 था तो 2x का डेरिवेटिव तो क्या कहते कुछ ना तो थोड़े चले लो और सीधे sin x का बोलो का डेरिवेटिव हां u इनटू v लगा दो u इनटू v लगा दो ऐसे भी लगेगा मेथड तो वही अप्लाई करते हैं ना जो बन गया. इसमें मैंने पहले इसको सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर दिया फिर डेरिवेटिव टू से डिवाइड sin x cos x है थीटा दोनों में सेम है एंगल दोनों में सेम है तो मैंने मुझे पता है कि 2 sin a cos a का फार्मूला sin 2 के अगर एंगल सेम होता है आगे 2 लगा होता है प्रोडक्ट में तो वो sin 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल बनता है जो भी यहां एंगल तो मैंने वो बनाने के लिए 2 से पहले डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया फिर यहां x था तो डबल एंगल 2x हो गया.
फिर हाफ ऑफ साइन टू एक्स, अब हाफ कॉन्स्टेंट है एज इट इज आ गया, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस और इसका फर्दर डेरिवेटिव इज जो इसी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स स्ट्रेट है, सेकेंड एक्स टैन एक्स, सेकेंड एक्स टैन थर्ड पार्ट। हां जी, तो रिक्वायर के अनुसार नेक्स्ट इज 5 secant x plus 4 cos x, 5 secant x tan x plus minus 4 sin x, अच्छा जी यही काम रह गया मुझे है ना, रोज सबसे पहले आप ये लेकर हूँ, आप लार मत करो। secant x का डेरिवेटिव इज secant x tan x, cos का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, अभी कॉन्स्टेंट्स एज इट अभी फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने 5 और 4 को डिफरेंशिएट किया, इन से 5 और 4 को बाहर ले लिया, वो कांस्टेंट है ना एज इट इज ना, 3 cos x plus 5 cos x, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 3 एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव इज माइनस cos x स्क्वायर x, आप चाहो तो इनको फर्दर ले सकते हो साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हो। अगला फाइव साइन एक्स माइनस सिक्स कॉस एक्स प्लस सेवन, 5 cos x plus 6 sin x plus 7. Plus 0. Plus 0. Differentiating 5 as it is, sin का derivative cos minus 6, cos का derivative minus sin, plus 6 बन जाएगा and the derivative of constant is 0. tan x plus constant का zero tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, secant का डेरिवेटिव secant x tan x, तो secant आप चाहो तो कॉमन लेके यू कैन सिंपलीफाई। हां जी बिल्कुल करनी है। कशिश समझ आ रहा है बेटे? चलें आगे, अब मिसलेनियस शुरू कर रहे हैं। सीधा करेंगे, फर्स्ट वन सीधा डेरिवेटिव बताना है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे हम। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स? माइनस वन, माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन। नेगेटिव पावर आगे आ जाएगी, माइनस वन आगे आ गया, माइनस एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा? माइनस टू इनटू, ये फर्दर डिफरेंशिएबल है माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव विल बी
माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन, माइनस एक्स का रेस टू पावर माइनस टू इज, तो दिस इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर। पूछो कहां नहीं समझ आया, ये वाला ये फर्दर डिफरेंशिएबल है अदर देन वन, अगर उसका डेरिवेटिव अदर देन वन है तो यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट। उस दिन मैंने साइन से नहीं करवाए थे कितने सारे एग्जांपल, जैसे साइन क्यूब थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, तो जब हम पावर ले लेते हैं पावर में ब्रैकेट के अंदर जो है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है, शो करना है इफ इट इज अदर देन वन। हाँ जी स्क्वायर है ना, इवन पावर है तो उसको मैंने पहले पॉजिटिव बनाया ना, माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। जब भी इवन पावर है तो नेगेटिव विल ऑलवेज बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव। हाँ तो ये ब्रैकेट नहीं ना खोल लो, ये ब्रैकेट यहाँ लगी रहेगी, हाँ फिर वो पावर में पॉजिटिव बन जाए। चले अगले पे, नाउ द नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ एक्स प्लस वन। कॉस ऑफ थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन है तो वो चाहे शो करो चाहे ना, एक्चुअल में ये है। इसका डेरिवेटिव ये वन बन गया ना, तो शो करो या ना। हाँ जी कॉस एक्स, एक्स प्लस वन ले लिया ना एक्स की जगह, हाँ तब भी ठीक है, आंसर सेम आएगा आपका जैसे मर्जी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिस इज द होल एंगल नाउ, तो इसको अगर मैं ए से रिप्लेस कर दूं, साइन ए का डेरिवेटिव इज कॉस ए, तो कॉस ऑफ ए को रिप्लेस किया। अब जब ये नंबर मतलब जो भी वैल्यू है इफ इट इज अदर देन वन तो उसका डेरिवेटिव हमने साथ में लेना ही लेना, आंसर सेम ही आएगा बट शो तो करोगे ना उसको। एक्स का डेरिवेटिव इज वन, वन का डेरिवेटिव इज जीरो, वन प्लस जीरो इज वन। नेक्स्ट कॉस ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई एट, माइनस साइन एक्स माइनस फाइव बाई एट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई एट दैट इज वन। बेटे अगर ये एक्स के अलावा कुछ और गिवन है तो डेरिवेटिव लेना है दोबारा, ब्रैकेट वाले का अलग से डेरिवेटिव लेना है। वो सिर्फ इस केस में ना, अगर ये इसके अलावा कोई और चीज होती जिसमें डेरिवेटिव वन के अलावा कुछ बन रहा होता, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई एट होता फिर इंटू टू एक्स हो जाना था, फिर आपका आंसर मैच नहीं करना था, तो दिस स्टेप यू हैव टू डू। कहाँ ये नेगेटिव, चलिए नेक्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव इज वन, फिर पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस एस, दिस यू विल डू योर सेल्फ, फोर्थ खुद करोगे फिफ्थ खुद करोगे सिक्स्थ कर रहे हैं हम, वन प्लस वन बाय एक्स अपॉन वन माइनस वन बाय एक्स। हाँ जी अपॉन वाले एक्स कट जाएंगे, फिर आगे आप यू बाई बी लगा दो,
u as it is derivative of v, v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v. v as it is derivative of u minus u as it is derivative of dash लग गया मतलब वो derivative को represent minus minus u into v over dx अब यहाँ x plus one upon x minus one है तो क्या बन जाएगा x minus 1 whole square x minus 1 as it is derivative of x plus 1 is 1 minus x plus 1 as it is derivative of x minus 1 is 1 ye ban gaya x minus 1 minus x minus 1 upon x minus 1 whole square simplify karke this is minus 2 upon x minus 1 whole square 1 x ka derivative is 1 1 ka derivative is 0 1 का डेरिवेटिव इज 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 x का 1 1 का 0 क्लियर कोई डाउट तो नहीं हाँ तो 1 ही लिए Done. Seventh question. 1 upon ax square plus bx plus c. अब ये चाहे u by v से कर लो हाँ चाहे ऊपर ले जाते हो अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो नेगेटिव पावर आगे आ जाएगी पावर एक डिक्रीज करके माइनस टू हो जाएगा अब ये फर्दर डिफ्रेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव ठीक है क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax प्लस बी तो इसको रीराइट कर लोगे दिस विल बी माइनस हां जी कर ली माइनस वन आगे आ गया कैसे मैंने सीधा कर दिया बिना उसको मानने इनटू डेरिवेटिव ऑफ इफ इट इज अदर देन वन तो उसका डेरिवेटिव इसका ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज टू एक्स बी एक्स का डेरिवेटिव इज बी सी का डेरिवेटिव इज जीरो ठीक है टू एक्स प्लस बी ए कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स तो सिंप्लीफाई करके टू ए एक्स अब यहाँ ये वी यू क्या था यू वन था तो वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया ना और यहाँ फिर साइन नेगेटिव होता है हाँ जी कहाँ सी पावर माइनस वन वन बाय सी ब्रैकेट U by V से ऐसे सिंगल सिंगल नहीं आप ऊपर लेके जा सकते ये जब आपकी टर्म पूरी डिनोमिनेटर में है अगर वो पूरी नहीं खोल सकते ना ऐसे नहीं खोल सकते माइनस टू ए एक्स माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री
ए इज अ कांस्टेंट, वो एज इट इज आ जाएगा. नहीं, जब वो वेरिएबल के साथ है, यू आर सेइंग कि हमारे पास है टू, ये कांस्टेंट एज इट इज लिखा गया, इसका डेरिवेटिव ले लें. जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, पावर आगे आ गई और वन पार लेस हो गई. ठीक है, चलिए अगले पे. क्वेश्चन नंबर 9 अगेन, यू बाई वी. 8 ऑल्सो यू बाई वी. अब आ जाओ 10th पे. 8, 9 खुद करोगे. 10th है a अपॉन x टू दी पावर 4 माइनस b अपॉन x स्क्वायर. हाँ, उससे भी इजी होगा अगर आप इनको इंडिविजुअली लेके चलोगे तो, क्योंकि एलसीएम लेके फिर आपको u बाई वी लगाना पड़ेगा, वो बड़ा हो जाएगा. हाँ, यहाँ पे नहीं, सीधा ले नेगेटिव. हाँ जी, ये ज्यादा इजी है. अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. कहाँ, दोबारा बोलो. ठीक है, क्लियर हो गया कशिश. चलिए अब नेक्स्ट, रेस टू पार 1/2. सो दिस इज 4√x − 2. तो इसको रीराइट कर लेंगे, 4 × x^2 − 2. पावर फॉर्मूला लगेगा, 4 as it is, ½ x^2 − ½ हो जाएगा. 1 माइनस करोगे तो. हाँ जी, ये 0 हो जाएगा. ठीक है, 2/√x. अदरवाइज अब आप क्या याद रख सकते हो कि रूट एक्स का, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपको पता है 1 है, तो ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो है दैट इज 1/√x. तो अगर मुझे डायरेक्ट पता है, मैं इसका डायरेक्ट पुट कर दूंगी, 4/1/√x, तो ये कैंसिल आउट होके 2√x. ठीक है, इन क्वेश्चंस में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एग्जाम्पलर में से करो, इसके साथ के साथ, तभी प्रैक्टिस होगी. चले आगे, इसी में एक और ले लो. अगर मुझे गिवन है 2x^3/2 प्लस 7√x, फाइंड इट्स डेरिवेटिव. थर्टीन कहां से आया है?
यस अगर आप कर रहे थे जैसे आप ऐसे ही कर रहे थे मुझे समझ आ गई वो पावर नेगेटिव हो जाएगी ना जब आप इसका हाफ को पावर फॉर्मूला लगाओगे ये बन जाएगा ना माइनस हाफ रह गया तो वो नीचे आके प्लस प्लस क्यों पावर सब वन सब्ट्रैक्ट होती है ये ठीक है उसमें ये रह गया इसमें रह गया इसमें ऑलरेडी वो हाफ था हाफ में आगे ले आई एक्स की पावर में हाफ में से वन माइनस किया तो दैट इज माइनस हाफ वो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने उसको नीचे लिख दिया इसमें वो ऑलरेडी पॉजिटिव था पॉजिटिव को नीचे क्यों लाएंगे एलसीएम ले लिया ना टू रूट एक्स थ्री रूट एक्स इंटू टू रूट एक्स इज सिक्स एक्स प्लस सेवन ट्वेल्थ कर लोगे वर्बली बता दो क्या आएगा एन इंटू इंटू ए इंटू ए बी इज अ कॉन्स्टेंट अकेला है तो डेरिवेटिव जीरो इंटू डेरिवेटिव यही प्रैक्टिस करनी है इंटू डेरिवेटिव वाले की अगला ये यू इंटू वी लगा लोगे ठीक है करने के कर लोगे करो चलो थर्टींथ ए एक्स प्लस बी टू दी पार एन सी एक्स प्लस बी टू दी पार एन यू इंटू वी लगाओगे यू इंटू वी लगाओगे गलत है ना वही तो कह रही हूँ यू इंटू वी लगाओ यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटू सी फिर प्लस वी एज इट इज अब इसमें से ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन और सी एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन ये कॉमन ले लो यहां क्या रह गया ए इंटू ए एक्स प्लस बी हाँ जी एन भी ले लिया ये आंसर आ जाएगा कॉमन ले लिया ना ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन ये गलत लगा रहे हो ना यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस गलत है ये मेथड ही नहीं है पिछले में सिंगल टर्म थी यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना है अगर ऐसे डायरेक्ट लगाओगे दिस विल बी रॉन्ग ये कोई मेथड नहीं है उसमें जो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स गिवन है जो डिफरेंशिएबल है एक को हमेशा एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है अगर ऐसे करोगे दोनों साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट करोगे वो गलत हो जाएगा हाँ जी
ये इसके साथ आ गया ना, हमने क्या क्या कॉमन लिया, n कॉमन लिया, ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस वन कॉमन लिया, सी एक्स प्लस डी टू द पावर n माइनस वन कॉमन लिया। क्या क्या रह गया फर्स्ट टर्म के लिए, c और ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अगली के लिए प्लस का साइन, n कॉमन गया, पावर n माइनस वन कॉमन गई, पावर n माइनस वन कॉमन गई, क्या रह गया सी एक्स प्लस बी इंटू ए, कहाँ, हाँ ये कॉमन लिया वो शो कर रही हूं मैं आपको समझाने के लिए, ब्लू वाला जो है वो मैंने कॉमन से शो किया, आ गया समझ। कॉमन ले लिया, हाँ जी, 14th कर लोगे मेरे हिसाब से, अब बी सी प्लस ए डी, हाँ जी, कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, अब यहां क्या लगेगा, u इंटू वी, क्या लगाया था गुरकीरत, गुरकीरत कॉसेक एक्स एज इट इज, नेगेटिव कॉ का जब भी डेरिवेटिव ले रहे हो नेगेटिव लेने आप विद इन माइनस साइन, माइनस कॉमन ले लो, कॉसेक एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कोई फॉर्मूला नहीं है तो वैसे भी छोड़ सकते हो, हाँ जी, पॉजिटिव है ना, प्लस का साइन ना होता माइनस का साइन होता फिर कैसे, यू इंटू वी, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस दोबारा करके देखना और कन्वर्ट करके लगा सकते। Ramneek, if any doubt is there, you can ask. Otherwise, time is over. I'm ending the meeting.